फ्रेंड्स, मैं स्मिता सिंह फ्रॉम माय चैनल अमायराज फूड क्रेविंग। आज मैं आपको चीज़ मिक्स्ड हर्ब्स ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखा रही हूँ। सभी को मालूम है कि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है, तो आपने प्लेन ब्रेड पकौड़ा भी खाए होंगे, स्टफ्ड भी खाए होंगे, मगर ये जो मैं बना रही हूँ ये बहुत डिफरेंट है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने ली है 4 स्लाइसेस वाइट ब्रेड, 1 कप बेसन, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, चीज स्लाइसेस, मिक्स्ड हर्ब्स और यह है 1 कप पानी। अब हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी जो बेसन लिया था वो डालेंगे। साथ ही में इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ऑरिगेनो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। बेसन का जो हम बैटर बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसमें कोई भी ढेलियाँ ना रह जाए। अब मैंने ब्रेड पे 1 ब्रेड स्लाइस लिया है, इसके ऊपर मैं ये जो चीज़ है उसका स्लाइस रखूँगी। इसके बाद इस पे मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल करूँगी। इसके बाद जो दूसरा ब्रेड का पीस है वो इसके ऊपर लगा देंगे। फिर इसको मैं कट करूँगी। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल या ऐसे भी कर सकते हैं डीप फ्राई, या इसको स्क्वेयर्स छोटे छोटे में भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्क्वेयर्स में कट करूँगी। अब जो मैंने ब्रेड को पीसेस में काटा था उसको मैं मैंने बैटर तैयार किया था उसमें डिप करूँगी। इसको अच्छे से डिप करना है ताकि जो बैटर बनाया था बेसन का वो इस पर अच्छे से कोट हो जाए। मैंने तेल को पहले से गर्म करके रखा है, अब इसमें हम डीप फ्राई करेंगे। गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है, अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं वो जल जाएंगे और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। इसी तरह से जितने भी ब्रेड के मैंने स्लाइसेस किए थे सबको मैं बारी बारी बेसन में डिप करके कढ़ाई में डीप फ्राई करूँगी। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम ब्रेड पकौड़े को बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए।
अब हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे से सिक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। मैंने प्लेट पर टिश्यू पेपर रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमारे चीज़ ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक यू।